3,636 मीटर या 11,926 फीट पर सन्दकपू नेपाल की सीमा से लगे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पश्चिम बंगाल का हाईएस्ट पॉइंट है। साथ ही ट्रेक को अनुभव करने के लिए भी यहां आना चाहिए। आपको कंचनजंगा रेंज, मकालू, एवरेस्ट, लोदसे, जान्नू, छमलंग, पारुत्से और सिक्किम की कई चोटियों सहित नेपाल हिमालय के शानदार व्यू देखने को मिलते हैं, जो सभी एक ही स्टेज में दिखाई देते हैं। द फेमस स्लीपिंग बुद्धा चोटियों का निर्माण सभी के लिए आनंददायक है। आप में से कुछ लोग पहले से ही जानते होंगे कि संदकपू और फालूत तक एक मोटोरेबल सड़क भी है। गुड मॉर्निंग, अभी मैं संदकपू PWD गेस्ट हाउस में हूँ। इतनी ऊंचाई पर इतना सुंदर आवास, अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। अच्छा टॉयलेट, ब्यूटीफुल डाइनिंग स्पेस, बहुत अच्छा रहने का जगह है ये। मैं हूँ आपके टूर के साथी शोभन, यह मेरा चैनल वंडर ट्रेवलर। इस वीडियो में मैं आपको संदकपू टूर के बारे में सारी जानकारी दूंगा, जैसे आप कैसे आएंगे, आप कहां रहेंगे, आसपास कैसे घूमेंगे, बुकिंग कैसे करें, कार का किराया कितना है, टूर करने में कितना समय लगता है, घूमने का सबसे अच्छा समय क्या है, टूर के बजट कितना हो सकता है इत्यादि। इसलिए सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखे और मेरे साथ बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। द फेमस स्लीपिंग बुद्धा दुनिया के चार सबसे ऊंचे पर्वतों द्वारा निर्मित चोटियों का प्रारूप। सीइंग द माउंट एवरेस्ट एट द होराइजन, आपको संदकपू टूर का हर हिस्सा पसंद आएगा। वह ऑफबीट डेस्टिनेशन है। संदकपू के रास्ते कालपोखरी लेक एक प्रमुख आकर्षण है। कालपोखरी लेक पवित्र काले पानी का एक रहस्य। बसंत ऋतु के दौरान रोडोडेंड्रॉन और मैग्नोलिया जंगल को लाल, गुलाबी और सफेद रंग में बदल देते हैं। छोटी छोटी बस्तियों से होकर गुजरने वाली वह पर्वत श्रृंखला शायद हिमालय में सबसे अधिक दर्शनीय स्थलों में से एक है। पूरा रोड सिंगालीना नेशनल पार्क के अंदर है, जो एक वाइल्ड लाइफ एनिमल का हॉटस्पॉट है, जिसमें बाघ की कई प्रजातियां हैं और रेड पांडा को देखना दुर्लभ है लेकिन असंभव नहीं है। गुड मॉर्निंग, अभी हम लोग संदकपू छोड़ के नीचे की तरफ जा रहे हैं। सुबह वेदर बहुत ही अच्छा था, सनराइज बहुत अच्छा मिला, कंचनजंगा और हिमालय दोनों मिल गया, बहुत सुंदर नज़ारा था, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा था। बच्ची को पूरा रात नींद नहीं आया ठंडा के कारण, इसीलिए संदकपू छोड़ के थोड़ा नीचे हम लोग अभी जा रहे हैं। ऐसे मेरा दो दिन का बुकिंग था, लेकिन एक दिन में ही हम लोग वापस जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। हम लोग को भी बहुत प्रॉब्लम हुआ ठंड में। सुबह जब घर से बाहर निकले तो देखे जितना घास है पूरा सब सफ़ेद हो गया था, और इधर वेदर भी बहुत ख़राब हो रहा है, पूरा बादल ही बादल आ रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल सड़क परिवहन निगम और कुछ निजी यात्रा सेवाओं के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सिलीगुड़ी माटीगाड़ा से 7 किलोमीटर,
भारत बस्ती से 12 किलोमीटर, कमलपुर से 26 किलोमीटर, कारसियांग से 36 किलोमीटर, मिरिक से 45 किलोमीटर, कालिंगपोंग से 66 किलोमीटर, दार्जिलिंग से 78 किलोमीटर, गैंगटॉक से 140 किलोमीटर, विराटनगर से 170 किलोमीटर, 206 किलोमीटर, प्रतापगंज से, नौगांव से 377 किलोमीटर और कलकत्ता से 560 किलोमीटर दूर है और मानेभंज से 70 किलोमीटर दूर है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से टैक्सी अक्सर उपलब्ध रहती है। इसका भाड़ा लगभग 3500 पर टैक्सी। बागडोगरा निकटतम हवाई अड्डा है। भारत के कुछ प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता से यहां पहुंचने के लिए आसानी से उड़ान ले सकते हैं। बैंकॉक एंड पारो बागडोगरा से डायरेक्ट हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से मानेभंजन तक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन नॉर्थ बंगाल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शनों में से एक है। सिलीगुड़ी शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एनजीपी रेलवे स्टेशन भारत के कई अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी है। अभी हम लोग संदकपुर से नीचे आ गए गौरीबास पे। गौरीबास का टेकर्स हट, अब लोग आके यहाँ पे रुक सकते हो। यहाँ पे स्टे करने का जगह है, टेकर्स हट है और आगे में चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट में आपको एंट्री करके आगे जाना पड़ता है। लैंड रोवर में संदकपू की यात्रा कष्टदायक है। इसका यूज बहुत ही बेसिक है। सीटिंग अरेंजमेंट भी बेहद ऑर्डिनरी। 50 साल या उससे भी अधिक समय की पुरानी लैंड रोवर, पत्थरों से बनी उबड़ खबड़ सड़क पर सवारी करना अपने आप में एक अनुभव है। अभी हम लोग टुमलिंग आ गए। ये छोटा सा होमस्टे है लेकिन बहुत अच्छा है। इसमें हम लोग स्टे किए। इसका चार्जेस 1200। यहाँ टेंट लगा हुआ है, आप टेंट में भी रह सकते हो। दो टेंट लगा हुआ है फिलहाल। वेदर बहुत ही खराब हो रहा है धीरे धीरे। ये पूरा बादल भर गया, पूरा बादल है। नीचे से बादल ऊपर आ रहा है। संदकपू से जब नीचे आ रहे थे तो एक गाड़ी खराब हो गया था, उसके चलते 1.5 घंटा पैदल आए लेकिन रेड पंडा नहीं मिला। बहुत कोशिश किए लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। 1:15 पे यहाँ आए, चेक इन किए, खाने का ऑर्डर दिया। 2 बजे तक खाना मिलेगा, अभी बन रहा है खाना। 2 ही रूम है, एक में और एक कपल है और हम लोग है। रास्ते में जीटीए द्वारा संचालित टेकर हट्स, लॉज और साथ ही प्राइवेट होमस्टे मिल जाएगा। तुमलिंग और संदकपू जैसी कुछ जगह पर आपको उचित होटल भी मिल जाएंगे। ध्यान दें कि भारत की ओर से इस यात्रा पर जाने वाले फॉरेनर को अब नेपाल के क्षेत्र में स्थित होटल में रहने की अनुमति नहीं है। यहां रहने के लिए चित्रे, मेघमा, तुमलिंग, गौरीबास, काले पोखरी, संदकपू आदि स्थानों पर कई होमस्टे है, लेकिन टुंगलू और फालुत में आपको टेकर्स हट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह हर स्थानों पर अटैच बाथ भी नहीं मिलेगा। इस रास्ते आपको भोजन सहित प्रतिदिन एक का 800 से 1200 में होमस्टे मिल जाएगा, लेकिन संदकपू के लिए आपको 1800 से 2200 तक चुकाना होगा।